Hello everyone. Guys, after Iran's so-called attack on Israel and the US as usual backing out and saying that dono ko chup karane ke liye kuch na kuch kadam uthaye, geopolitics agar aap track karte ho geopolitically to situation kafi tense hai. And ye situation aisi hai ki anything can flare up any time. And aapko yaad hoga hamare last live session mein last Sunday ki market ko isi tarah ka ek new jhatka hi hila sakta hai. Where I waited for the day I wanted to see Nifty का closing. So Nifty का जो one of the major support है वो 22,268 के आसपास है. And I think उसकी closing, आज Nifty की closing भी लगभग इसी level के आसपास या इसके नीचे ही आई है. So tomorrow, by the way, Wednesday the markets are closed. So tomorrow there will be a tendency to book profit. हो सकता है कल बाज़ार पे एक्स्ट्रा प्रेशर आए बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेंटी एंड बिकॉज की मिड वीक एक छुट्टी है. तो जो लोग पोजीशन, भाई ग्लोबली इतना कुछ हो रहा है, व्हाई वुड यू वांट टू कैरी योर पोजीशन? आप ऑप्शंस ओपन क्यों रखोगे या क्यों अपने ट्रेडिंग पोजीशन चालू रखोगे? तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स एंड स्पेशली बिकॉज टुडे द एडवांस डिक्लाइन रेशियो वॉज मच मच इन फेवर ऑफ द डिक्लाइंस. मतलब बहुत ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन थी. कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ने बचा लिया, अदरवाइज निफ्टी जिस तरह सुबह 9 बजे आप कल एक ना देखना ओपनिंग जब होती है ना ऐसे माहौल में गिफ्ट निफ्टी के बाद द निफ्टी ओपन्स एंड आपको डर लगेगा 9 बजे, फिर वो स्टेबलाइज होते होते प्राइस 9:08 तक आता है. बट आई थिंक इट्स अ प्रिटी क्रिटिकल सिचुएशन एंड दिस इज़ नॉट न्यू फॉर द मार्केट्स. हो सकता है कल के कल में या परसों में इवॉल्व हो जाए. बट द प्रॉब्लम इज़ ना गाइस, ये सब दिक्कतें वीकेंड पे आती है. इफ़ यू नोटिस, ये इसराइल ने, हमास ने जो इसराइल पे अटैक किया था, मतलब हमास गॉट इनटू इसराइल, वो 7 अक्टूबर था. वो भी एक सैटरडे था जहाँ तक मुझे याद है, वीकेंड के आसपास ही कुछ हुआ था, आफ्टर मार्केट आज हुआ था. सो प्रॉब्लम ये होता है कि फ्राइडे को आप जाते हो सब बंद करके, जैसे अपने में बोलते हैं ना, दुकान बढ़ा के आप जाते हो, और फिर सैटरडे संडे यू होप for a peaceful night's sleep, but then this Sunday was crazy for all the traders. Here I wanted to apologize, yesterday I could not do the live session, but we'll do it very soon. And मैं wait आज इसलिए कर रहा था, देख रहा था closing कैसी है. Nifty की closing ठीक है, but it is still trying to take support at critical levels. और ऊपर जो resistance है वो बना हुआ है. और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो even year होता है जैसे 2020, 2022, 2024, 2026, जो इवन ईयर होता है ना, उसमें बाज़ार में कभी ना कभी 5-7% का ड्रॉडाउन निफ्टी में आ सकता है. इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. मतलब इसी तरह के जियोपॉलिटिकल या एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से ही ड्रॉडाउन आएगा. सो आई थिंक इट्स एक्चुअली अ टफ टाइम टू बी अ ट्रेडर, बट इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एन इन्वेस्टर अगेन. एंड SIP वालों का तो कभी स्ट्रैटेजी चेंज होगा ही नहीं, राइट? सो SIP पीपल कैन कंटिन्यू. And I'll see you in the next video very soon.